शमी है किधर चले हो बिल्कुल अस्सलामुअलैकुम। तो अभी हमें मीरपुर उसने उतार दिया हुआ, लेकिन यार हमारी मंजिल से तकरीबन ना थोड़ा सा आगे उतारा है, हो सकता है उधर स्टॉप ना हो। ये पता नहीं कौन सा स्टॉप है, कौन सा ये लिखा हुआ इधर, ये है सेक्टर 3D वेस्ट 1 इदारा तरक्यात, जो भी है इधर उतारा है। इधर से हम अभी पैदल चल गए तो फिर जाएंगे यार, इधर साइड पर दिखाओ आपको, वो देखें यार, वो पता नहीं अब हॉस्टल है या कुछ और है, या घर है या हॉस्टल है, पता नहीं, पब्लिक प्लेस ही लग रही थी कोई। उसके बाद ये इधर एक और भी है, ये क्या है, एहसान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। अच्छा यार ये, और हम तकरीबन सुबह 5:30 बजे के आए हुए हैं, नाश्ता वगैरह हम दोनों ने नहीं किया, तो इधर से करीब से कहीं देखेंगे कोई नाश्ते वाली जगह मिले तो बैठ के पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर बाकी बातें बाद में की जाएगी। बहुत लग रही यार अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, और है तो शाम साहब कुछ शौकियाँ सूझ नहीं है, कहता ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, पठान ही पठान नज़र आ रहे हैं इधर। तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर हमें होटल मिला और भूख लगी, नाश्ता वगैरह होने लगा, बस लाहौरी नहीं है, कश्मीरी नाश्ता भाई, सुबह का कश्मीरी नाश्ता। साथ साथ आपको यहाँ पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरह से आना चाहिए, तो मेरा मशवरा यही है कि आप गाड़ी करवा दें, ऐसा जरूरी होना से आप बचे। डिस्क्लेमर अच्छा नाश्ता बहुत ही मजे का था, बट यार इट वॉज टू एक्सपेंसिव, जो चीज़ हमने गुजरांवाला में तकरीबन 150 में खा लेनी थी, इधर 500 में पड़ी है, इधर 500 में खाई है। खैर मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार, और कुछ भाई अल्लाह करते बहुत कपड़े। बाकी अब मंगला डैम पे जा रहे हैं, मंगला डैम की बातें करेंगे, मंगला डैम का मंदिर देखेंगे क्या उधर, क्या सीन है, क्या चक्कर चक्कर आ रहा है उधर। अभी रिक्शे में बैठे हैं, रिक्शे से जाए हुए इन्होंने ऊपर, ले रिक्शे से जा के ले लिया फुल एवन। नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यार ये हम इधर एक पार्क आए थे, लेकिन पार्क जो है बंद है, तो देखें कौन सा पार्क है, आसिफा भुट्टो पार्क, MDA मीरपुर AK मीन आज़ाद कश्मीर। यार आसिफा भुट्टो बाहर सिर्फ बाहर से ही दिखा सकते हैं यार, अंदर जाने के तो अभी अलाउड ही नहीं है, खुला भी नहीं है, ये बंद है टोटली अभी। वो सिर्फ सामने ना एक गार्डनर है, वो ही मेरे ख्याल सिर्फ अभी सफाई वगैरह कर रहा है, उसके बाद शायद ये 12-1 बजे खुल जाए, लेकिन चलो इतना टाइम तो नहीं है, चलते हैं इधर से। गाने शाने लगे हैं, शामी साहब किधर है मंगला डैम? अरे मंगला डैम ये है। अच्छा जी, इतने को नज़र दे आ नहीं रहा, पता नहीं एंट्रेंस कहाँ से देंगे, जंप लगा के अंदर जाए। मंगला डैम, फिर मंगला डैम पे तो आ गए, लेकिन इधर कुछ वो चीज़ नहीं है जो हम देखना चाह रहे थे, मतलब मशीनरी वगैरह जिधर से पानी मतलब बिजली बन रही हो, उधर कहते हैं सर्विस मतलब अलाउड नहीं है शायद जाना हो ना उधर, तो उधर जा नहीं सकते हम। बाकी अभी वैसे ही सैरो तफरी चक्कर शक्कर लगा रहे हैं इधर, ये देख पानी शानी है यार, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है, मतलब बहुत पीसफुल प्लेस है। अगर आपके दोस्त या आप एडवेंचरस हैं तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो, तो आप इधर से बिल्कुल नीचे अगर जाएंगे ना पत्थरों पर, यू विल इन्जॉय अ लॉट। और उसके बाद वो उधर पीछे बैठे ना यार, वो मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं, अगर आप चाहें ख़रीद सकते हैं उनसे, वो निकालेंगे वो आप उनसे उसी वक्त ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा डैम वाली मछली है यार, वो फार्म गुजरांवाला की फार्म वाली मछली से तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब जैसे फ़र्क आपको कैसे बता सकता हूँ मैं कि मिसाल नहीं आ रही यार दिमाग में, क्या कहते हैं उसको, हाँ फार्मी मुर्गी में और देसी मुर्गी में जो फ़र्क है ना,
वो डैम वाली मछली में और फार्म वाली मछली में बस वही फ़र्क है यार, मेरा नॉलेज थोड़ा सा लिमिटेड है तो बस यही सीन। उसके बाद ना यार इधर वो ना एक पार्क भी है, ये पार्क में एंट्री बिल्कुल फ्री है, बच्चों को लेके आएंगे ना तो इधर बच्चों को झूला वगैरह दिलवा देना, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। उसके बाद वो पीछे ना जिराफ वगैरह भी रखे हुए उन्होंने, मतलब सिर्फ खूबसूरती के लिए, बाकी खूबसूरत ये जगह तो वैसे ही है यार, पीसफुल भी है, खूबसूरत भी है, हवा भी ठंडी है, मज़ा आ रहा है। It's not that easy, bro. You need to be very, very careful. Came down here. You need to be careful, bro. स्लो हाइकर जितना लगता है उतना होता नहीं है भाई, जब करोगे पता चलेगा। ये क्यों, सो मैं तो नीचे आ गया हूँ, क्वाइट कंफर्टेबली आ गया हूँ। वो बंदा बड़ा ही सुस्त है, बड़ी देर बाद आ रहा हूँ। वो यार काफ़ी ऊपर से आए हम नीचे यार। इधर ये भी है, ये देखो बफलस, ये करी जा, इतना लेट आया। पानी हमारी मंजिल है भाई, ठीक है, पानी पे जाना है। लो जी लारी अड्डा आ गया है, बड़ा चले हैं यार लारी अड्डा पहुंचने के लिए। लारी अड्डे से अब कोई कोस्टर देखते हैं, कोस्टर देख के तो घर, एक दिन का टूर बस इतना ही होता है कि अब सारा दिन रात इधर ही गुजारना। शक्ल दिखाए